राधे, जय श्री कृष्ण, भोले भाके बिहारी लाल की जय। प्रेमियों, आप सभी को अध्यात्म मीडिया की ओर से आप सभी दर्शकों को भाव भरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ब्रज दर्शन के श्रृंखला में जैसे कि आप हर वीडियो में आप ये दर्शन करते हैं ब्रजमंडल के प्राचीन लीला स्थलियों का, जहाँ भगवान की लीला भई है, जहाँ भगवान ने लीला किया है, जहाँ भगवान के गोप ग्वालों ने लीला किया है। आज हम आपके लिए इतना सुंदर दर्शन लेकर के हम आए हैं। ब्रज दर्शन की श्रृंखला में आज हम पहुँचे हुए हैं मधुवन। ब्रज में 12 वनों में एक वन, पहला वन मधुवन। मधुवन नाम का यह वन है जहाँ पर 5.5 वर्ष के अवस्था में, और ध्रुव जी को तो सभी जानते हैं, भक्तराज ध्रुव जी महाराज की जय। तो ध्रुव जी, जब ध्रुव आज भी उनके नाम से आकाश में एक तारा टिमटिमाता है जिसका नाम है ध्रुव तारा, हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो वो भक्त ध्रुव जी इसी स्थान पर भगवान चतुर्भुज भगवान विश्व सहस्त्रबाहु भगवान नारायण के गोद में बैठे थे। अपने तपस्या से भगवान विष्णु को उन्होंने पाया था, और भगवान जब प्रकट हुए तो इसी स्थान पर अपने गोद में अपने ध्रुव बालक को अपने गोद में बैठा करके और भक्तराज ध्रुव को आज भक्तराज बना दिया। सदा तारे बनकर के टिमटिमाते हैं। और यहाँ का रहस्य, यहाँ का विस्तार, यहाँ का वर्णन, यहाँ के इतिहास के बारे में हम जानकारी लेंगे, क्योंकि आज हमारे बीच उपस्थित हैं परम पूज्य, हमारे दिल के गुरुदेव, हमारे हृदय के गुरुदेव, और जिनकी कृपा हम सबको नित्य मिलती है, परम पूज्य श्रद्धे श्री सतीश चंद्र पराशर जी महाराज, जो संस्थापकाध्यक्ष हैं कालिया मर्दन जन सेवा ट्रस्ट के। तो आज हमारे पूज्य गुरुदेव भी हमारे सानिध्य में उपस्थित हैं, और अब हम गुरुदेव से, उनके मुखारविंद से हम ये सुनेंगे, हम यह श्रवण करेंगे कि भक्तराज ध्रुव जी ने यहाँ कैसे तपस्या किया, और यह स्थान कितनी प्राचीन है, किन किन पुराणों में इसका वर्णन है। हम अधिक देर ना करते हुए हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के शरणों में, और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आज हम ध्रुव टीला के बारे में समझेंगे। यह वही टीला है जहां ध्रुव जी ने 5.5 वर्ष की अवस्था में तपस्या किया था। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। प्रेमियों, प्राचीन लीला स्थलियों का अगर आप दर्शन शेयर करते हैं, इसमें भी आपको पुण्य प्राप्त होता है, आपके माध्यम से और लोग घर में, आपके माता पिता, वृद्ध माता पिता जो घर में बैठे हैं वो नहीं आ सकते, असहाय हैं, सामर्थ्यवान नहीं है, तो उनको आप यह दर्शन जरूर कराएंगे। अब हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के शरणों में, और पूज्य गुरुदेव मुखारविंद से यह ध्रुव टीला का वर्णन हम श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए श्री ध्रुव नारायण भगवान की जय। आप सभी भक्तों को जो आध्यात्म मीडिया चैनल के माध्यम से ब्रज दर्शन कर रहे हैं, आप सभी को श्रीधाम ब्रज मंडल की पावन भूमि से अनंत अनंत जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज आप दर्शन कर रहे हैं ध्रुव टीला मधुवन धाम ब्रज धाम के। यह वह पावन जगह है। वैसे तो हमारे ब्रज मंडल में 12 वन हैं, लेकिन उन 12 वनों में ये प्रथम वन है जिसका नाम है मधुवन। जब हमारे ब्रज की परिक्रमा लगती है, पैदल परिक्रमा, तो पैदल परिक्रमा का पहला पड़ाव है ये। मथुरा विश्राम घाट से परिक्रमा प्रारंभ होकर के पहला पड़ाव मधुवन ध्रुव टीला पर ही होता है। इस जगह का नाम ध्रुव टीला इसलिए पड़ा है, आप सभी ने भागवत कथा के माध्यम से श्रवण किया होगा, मात्र 5-5.5 वर्ष की उम्र में श्री ध्रुव जी महाराज ने इसी जगह पर कठोर तप करके नारायण भगवान को प्राप्त किया था। यह जगह ध्रुव जी महाराज को देवर्षि नारद मुनि ने बताई थी, क्योंकि ध्रुव जी के वो गुरु हैं। जब ध्रुव जी महाराज को नारद जी महाराज ने शिक्षा दीक्षा प्रदान करी, तो ध्रुव जी ने एक प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ पर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो जाएं, क्योंकि मैं बालक हूँ, ज़्यादा कुछ साधन कर नहीं सकता। तो नारद जी महाराज ने उनको दीक्षा दे करके, मंत्र दे करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र उन्हें प्रदान किया, और भजन करने के लिए स्थान भी बताया। कहा कि बेटा, ततात गच्छ भद्रंते यमुना यास्तरम सुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तुम ब्रज में जाओ
और ब्रज में भी मधुवन नामक जो जगह है वहाँ पहुँचो, वहाँ पर नारायण हरि का नित्य सानिध्य प्राप्त होता है। ये ऐसी पावन भूमि है जहाँ ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी अवस्था में 5-5.5 बरस का बालक ढंग से बोलना तक नहीं जानता, लेकिन गुरुदेव की कृपा से और उन्हें यहाँ कठोर तप करने के बाद मात्र 5 महीने बाद नारायण हरि के दर्शन हुए हैं और उन्होंने दर्शन प्राप्त किए हैं। और ये जो मंदिर है, अभी आप थोड़ी देर में दर्शन करेंगे, ये जो प्राचीन मंदिर है ये सतयुग के समय का मंदिर है, क्योंकि ब्रजभूमि जो है ये कभी महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होती, सदा विद्यमान रहती है। इसलिए यहाँ का जो दर्शन है वो सतयुग के समय का दर्शन है। ये ऐसा अद्भुत दर्शन है कि यहाँ जो भी भक्त श्रद्धा और भाव से आते हैं उन्हें नारायण हरि के आज भी प्रत्यक्ष और उनकी उपस्थिति का, भगवान के नित्य सानिध्य का अनुभव होता है और भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी साक्षात विराजमान हैं। इस जगह के विषय में, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, यहाँ का हमारा जन्म है, और थोड़ा सा मैं आपको और जानकारी दूं। वैसे भागवत कथा करते करते हमें लगभग 20-22 साल हो गए, पर सबसे पहली कथा, ध्रुव जी तो हम नहीं हैं, उनके चरण धूलि भी नहीं है, लेकिन जैसे ध्रुव जी की अवस्था थी ऐसी हमारी भी छोटी सी अवस्था थी, मात्र 15-16 साल की उम्र थी हमारी। तो उस समय सबसे पहली श्रीमद् भागवत कथा हमारी ध्रुव नारायण प्रभु के सानिध्य में, उन्हीं की चरण सन्निधि में हुई, और तब से अब तक ध्रुव जी की कृपा से जहाँ जहाँ ठाकुर जी भेजते हैं कथाओं के माध्यम से स्वयं भी आनंद लेते हैं और भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। और तभी से हमारा ये नियम भी बना है कि हर वर्ष यहाँ ध्रुव नारायण भगवान को अपनी टूटी फूटी वाणी में भगवान के गुणानुवाद सुनाते हैं, उनकी बड़ी अहितु की कृपा है। तो ऐसी जगह पर आज हम आए हैं और आप सभी भक्तों से भी हम निवेदन करेंगे कि आप ऐसी जगह के दर्शन करें, और दर्शन करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें, आध्यात्म मीडिया चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिसके माध्यम से हमारे श्री कन्हैया पांडे जी, जो आपको ब्रज के प्राचीन जो धरोहर है, प्राचीन जो मंदिर हैं, जो देव स्थल हैं, इन प्राचीन स्थानों के जो दर्शन करा रहे हैं, इन दर्शनों को आप अपने सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, जहां तक भी आप पहुंचा सकते हैं, इसको शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी जो ब्रज की ऐसी प्राचीन स्थलों के दर्शन आप तक पहुंच सकें। इसलिए आप जो है घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं और अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, और सभी के लिए फिर पुनः जो है भगवान के सन्निधि में बैठते हुए, और आप सभी को जो है अनंत अनंत जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए अब आप दर्शन करें ध्रुव नारायण के पावन सुंदर स्वरूप का।